तुम्हारी धरती है, तुम्हारा वोट है, अब बंदूक में ताकत नहीं है। आपको जब वोट देना है तो अपने स्वार्थ से सुनना पड़ेगा, अपने दिल को सुनो। आपको ये पूछना पड़ेगा कौन है जो हम लोगों के लिए हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकता है। एक ही वादा किया है और वो भी मेरी बहनों से। मैंने ये कहा है कि इलेक्शन के 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख घर और आएंगे ताकि सबको एक पक्का घर मिल जाए। इससे पहले भी सरकारें बनती थी, दर्जनों प्रधानमंत्री हुए, 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने दिया था, लेकिन कभी किसी मछुआरे के बेटे को बगल में खड़ा करते नहीं देखे होंगे। अगर एक निषाद राज के बेटे को हाल चाल ले रहे वो मोदी है, मोदी है। तुम्हारे निषाद राज के मित्र है राम, आज उनके बगल में निषाद राज की मूर्ति लग रही है। हमारा सीना पतला हो रहा है कि चौड़ा हो रहा है। मेट्रो अल्मीरा, जो बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट प्राइस में मेट्रो अल्मीरा प्रोवाइड करते हैं, ये मेट्रो ऑफिस सेल्फ। कॉन्टेक्ट टुडे। राम को पार उतारे थे, किसी को जानकारी थी कि निषाद राज ने भगवान राम को अपनी सेना दिया था, तो किसी को जानकारी थी निषाद राज की सेना ने राम और राज को खत्म करके इस देश में राम राज लाया था और निषाद राज लाया था। ये देखो आज के दिन में ये तुम्हारा राज है, तुम्हारी धरती है, तुम्हारा वोट है, अब बंदूक में ताकत नहीं है। तुम आपका याद रखो यही समाजवादी पार्टी है कि तुम्हारे मित्र भगवान राम के निषाद राज के मित्र राम का मंदिर बनाने गए थे तो बदले में गोली मारे थे और तुम्हारे लोगों की हत्याएं हुई थी। ये जान लो राम मंदिर नहीं जो बनने देता है। तुम्हारे निषाद राज के मित्र है राम, आज उनके बगल में निषाद राज की मूर्ति लग रही है। हमारा सीना पतला हो रहा है कि चौड़ा हो रहा है? तेज बोलो मुझसे, पतला की चौड़ा। और जातियों का भला तब होगा। झंगुआ भर वोट तुम्हारा था, तुम्हें पौआ पिला कर वोट लेते थे। कभी जाते थे दरोगा के सामने, कभी सिपाही के सामने थाने में जाते थे, ये कहता था इधर कहाँ कहाँ आ गए कोटा, कहाँ मल्ला हो आ गए। आज के दिन में ये दरोगा है, आज के दिन में थाने में हमारी सरकार है। कमल बटन दबा दिया तुम्हारे पास, तुम्हारे कमल वालों ने भोजन भरी थाली दबा दिया, नया भार मान लेते हैं। जय निषाद राज का नारा जब से आया है तब से देश का सहारा बना। इससे पहले भी सरकारें बनती थी, दर्जनों प्रधानमंत्री हुए, 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने दिया था, लेकिन कभी किसी मछुआरे के बेटे को बगल में खड़ा करते नहीं देखे होंगे। अगर एक निषाद राज के बेटे को, डॉक्टर संजय को, एक निषाद राज के वंशज के बेटे को अगर आश्रय दिया, सहयोग किया, हाथ पीठ पर रखा है, तो निषाद राज डॉक्टर संजय वो मोदी है। मेरे समाज का हाल चाल ले रहे वो मोदी है, मोदी है। किसी ने कभी नहीं बगल में, तमाम दर्जन भर मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी ने भी निषाद के बेटे को बगल में हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने दिया और बगल में कभी कैबिनेट में नहीं बैठने दिया। वोट तो लिया, सबको धोखा दिया, आपका वोट लेकर आपको बर्बाद किया, कभी निषाद के बेटे को कभी बगल में खड़ा होने की जगह नहीं दिया। ये इतिहास रहा आपके बगल में। अगर दिया है योगी ने दिया है, अगर दिया है तो मोदी ने दिया है। ये आपके लिए बधाई देने आए हो, ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का देन है। आती थी कैप्टन मल्हावा पिंगवा कश्यप चारा धीवरा कहा जाता था, लेकिन धन्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, जय निषाद राज का नारा लगाया, टोपी लगाया, अपने निषाद राज के किले पर कसम खाया, तो देश के प्रधानमंत्री पहले हैं कि 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाकर तुम्हारा दुनिया में सम्मान बढ़ाते। जय निषाद राज। योगी जी ने भैया हाथ उठाकर बोले, लगाते अग्नि लगाते हैं, योगी जी लगाते अग्नि लगाते हैं, निषाद राज का नारा मोदी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तुम्हारे किले पर खुदाई हुआ, कांग्रेसियों ने उसका खजाना लूट के लेके चले गए, अब कांग्रेसियों ने तुम्हारे समाज को बर्बाद किया है, तुम्हारे आरक्षण की फाइल गायब कराया है। उन कांग्रेसियों के 2 मंत्री मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय दिल्ली में मुकदमा भी लिखा रखा है, उन्हें जेल भी भिजवाने का काम किया जाएगा। जो तुम्हारे समाज का हिस्सा खाते हो, तुम्हारे 2004 से 2014 तक ये सपा बसपा उनको सहयोग देती थी, बिना शर्त सहयोग था, उनका एक ही शर्त था, ये केवट मल्ला किया है, ये
सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल। वो जो फाइल आई थी संविधान बनने से पहले, इस देश को आजाद कराने से पहले, आप लोगों ने झंडा डंडा नहीं, जय निषादराज के नारे, निषादराज के वंशजों ने, ये सड़क नहीं था, ये नदी थी, नदी से चलते थे, नदी से मुगल आए, नदी से अंग्रेज आए, हमारे समाज के लोगों ने उनका गला काट कर फेंका और देश को आजाद करा के दिखा, ये समुदाय में रहा है। था मेरा बेटा, तो उसका रिश्ता आप लोगों के साथ बहुत नज़दीक था, और वो रिश्ता मेरे बेटे का उसकी माँ ने भी बहुत प्यार से निभाया है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप आए हैं डॉक्टर निषाद को से को सुनने। आप लोग इतनी धूप में आए हैं, इतनी मुश्किल से आए हैं। केवल मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन में आप, मुझे मालूम है कि आप लोग खुश होंगे कि एक कैंडिडेट जो है वो निषाद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस क्षेत्र के लिए या आपके लिए कुछ भला भी कर पाए। इसलिए आपको जब वोट देना है तो अपने स्वार्थ से सुनना पड़ेगा, अपने दिल को सुनो। आपको ये पूछना पड़ेगा सबको, कौन है जो हम लोगों के लिए हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकता है। आप लोगों ने पक्की घर रह गए हैं, और मैंने पूरे इलेक्शन में एक ही वादा किया है, और वो भी मेरी बहनों से। मैंने ये कहा है कि इलेक्शन के 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख घर और आएंगे, ताकि सबको एक पक्का घर मिल जाए। मैं आपसे ज़्यादा इच्छुक हूँ कि मेरे सारे क्षेत्रवासी रहे पक्के घर में, एक इज्जत की ज़िंदगी। आपने तो मदद की, लेकिन निषाद एक साथ जो एकजुट होकर के, खास करके मेरी बहनें खड़े होकर के, उन्होंने मुझे वोट दिया, और आज सुल्तानपुर के लिए अगर कोई तरक्की हुई है, ये इनकी देन। अब इस इलेक्शन में मैं खास करके चाहती हूँ कि आप लोग फिर से सामने आए, फिर से एकजुट रहें, और फिर से सुल्तानपुर की तरक्की के लिए अपना वोट दें।